जयपुर के दूदू में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां रामनगर मोड़ के पास तीन कंटेनर्स में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तीनों कंटेनर्स में आग लग गई। इस हादसे में दो व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत हो गई, साथ ही कंटेनर में भरी आठ भैंसे भी जिंदा जल गई। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची दूदू पुलिस ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। नेशनल हाईवे 48 पर गैजी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत। इंद्रजीत, दूदू में एक बड़ा सड़क हादसा देखा गया है जहां दो लोगों की मौत हो गई है और जिंदा जलने से जो आठ भैंसे भी घायल हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? निश्चित तौर पर सुरभि, आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाही से ये हादसा सामने आया है, जहां पर दूदू थाना क्षेत्र के जो रामनगर मोड़ उसके पास में जो सड़क किनारे जो दो कंटेनर जो खड़े थे, इसी दौरान जो जयपुर से अजमेर की ओर जो भैंसों से भरा एक ट्रक जाकर जो सड़क किनारे कंटेनर से जा टकराया, जिससे डीजल टैंक फटा। उसके बाद में तीनों वाहनों में आग लगी। उसके पास में एक चावल के चट्टों से भरा ट्रक था, वो भी उसकी चपेट में आया। कुल मिलाकर चार जो वाहन थे वो पूरी तरह से जलकर राख हो गए। और इसके बाद में जो ट्रक चालक जो गोवन से भरे जो ट्रक सवार थे, उनकी मौके पर ही जो है ट्रक के अंदर जिंदा जलने से मौके पर मौत होगी। लेकिन सुनिधि, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये लापरवाही के हादसे है। हर बार प्रशासन जो है बड़ी कार्रवाई की बात करता है, जांच टीम का गठन किया जाता है, लेकिन फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परिवहन विभाग, हाईवे पेट्रोलिंग और कहीं ना कहीं टोल प्रबंधन, ये पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है ये लापरवाही के हादसे होते हैं। क्योंकि सड़क किनारे हर बार जो है सड़क किनारे जो ट्रक चालक है वो अपने वाहन खड़े करते हैं, उसके बाद में वहां से लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसी के चलते है जो है अंधेरे में जो है वो वाहन भी नहीं दिख पाते, उसी के चलते जो हादसे होते। कई मरतबा जो है किशनगढ़ में भी ऐसे मामले सामने आए। नसीराबाद पुलिया के पास ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पांच लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, खाना पूर्ति होती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं जो है घरों के लोगों के चिराग बुझ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई की अगर हम बात करें तो थोड़ी तौर पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाती है, लेकिन पूरी तरह से जो है जो बेलगाम जो ट्रक सड़क किनारे खड़े होते हैं उन पर किसी तरह से लगाम नहीं लगाई जा सकती थी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।